सौरभ बैठ जाओ भाई। अच्छा यार, ये लोग कहते हैं कि कोई भी काम शुरू करने से पहले हमारे पास एक प्लान होना चाहिए। कितना भी काम हो, कोई सा भी काम हो, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा, एक प्लान होना चाहिए। बिल्कुल प्लान होना चाहिए। लेकिन मैं मानता हूँ कि कभी कभी कोई काम ऐसा होता है जो हम प्लान नहीं बनाते हैं, लेकिन फिर भी इतना अच्छा साबित होता है हमारे लिए, इतना खूबसूरत होता है कि हमने उम्मीद भी नहीं करी होती है। हाँ यार, शायद ऐसा होता है कि शायद हमने प्लान भी किया होता तो उतना अच्छा नहीं होता। सही बात। अब उदाहरण के लिए, जैसे हम आज यहाँ बैठे हुए हैं यहाँ मसूरी में, मैंने नहीं सोचा था यार कल शाम को, परसों शाम को, मुझे उम्मीद भी नहीं थी। मैं तो बस मजाक कर रहा था यार कि चलेंगे, होगा, करेंगे। सही बात। लेकिन अभी अब यहाँ पे हैं हम मसूरी में, शॉर्ट नोटिस पे, बिना किसी प्लान के, तो कैसा लग रहा है? मतलब क्या अनुभव है, क्या अनुभूति हो रही है अंदर से, कैसी फीलिंग आ रही है? भाई अमेजिंग है, मुझे तो अच्छा लग रहा है। तो और मुझे सबसे अच्छी खुशी बात है कि तुम मेरे साथ हो, मतलब बैकिंग है किसी की ना, और हम लोग ऐसे रैंडमली प्लान किए, डेली में मिले, ऐसे चले आए, तो मेरे लिए तो वही है ना कि जैसे कोई प्रार्थना स्वीकार हुई और चीज़ें होती चली गई ना। कई बार प्लान करना होना इट्स सेल्फ अ प्लान ना, तो वैसा मोमेंट है मेरे। और कितना सुकून है, कितना हम लोग थक गए हैं ना, कुछ लाइट मोमेंट कुछ किया जाए नहीं, तो क्या किया जाए लाइट मोमेंट के लिए? अब हम लोग धूम्रपान भी नहीं करते हैं, हम लोग पीते खाते भी ऐसा कुछ नहीं है ना। नहीं देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो नशा होता है ना, वो किसी भी चीज़ का हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि केवल धूम्रपान ही नशा हो। नशा तो म्यूजिक का भी होता है, नशा कविता का भी होता है, नशा बोल के होते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि अगर एक कविता अगर आप सुना देंगे तो शायद उससे अच्छा नशा मेरे लिए तो कोई और नहीं होगा। कविता मतलब ऐसी सुनाए कि तुम्हें भी तुम्हारी पुरानी वाली याद आ जाए। बिल्कुल जरूर। अच्छा, उस किसी से को कहना चाह रहे हो, किसी को जैसे प्रपोज करना चाह रहे हो, तो कैसे करोगे? मतलब ऐसे मसूरी की पहाड़ियों पे बैठे हो, या कहीं वैसे कहीं आ रहे हो, याद आ जाए, या उसे मिलके ही बताना चाह रहे हो, तो कैसे करोगे? ये तुम्हारे बारे में कविता, ये हरित उस लड़के के बारे में कविता जो किसी को मान लो बड़े शिद्दत से कहना चाहता है कि तुम्हारी याद आ जाती है, तुम्हें फ़ोन करना चाहते हैं, और देखो हम एकदम सीधे साधे हैं, ठीक है? तो एक सीधा साधा लड़का तुम्हें प्यार करता है, क्या कहें? सीधा साधा लड़का तुम्हें प्यार करता है। सीधा साधा लड़का तुम्हें प्यार करता है, किस्सों में कहता है तुम्हें, किस्सों में कहता है मतलब किस्से कहानी नहीं होती, किस्सों में कहता है तुम्हें, कई बार कविता हो जाता है। वाह वाह, क्या बात है। शाम होते ही वो हैरान हो जाता है, तुम्हारे फोन का इंतजार करता है, बेचारा परेशान हो जाता है। क्या बात है, बहुत खूब, काफी रेलिवेंट है आज के मौसम में। आज के मौसम में एक सीधा साधा लड़का तुम्हें प्यार करता है, तुम्हें किस्सों में कहता है, कई बार कविता हो जाता है, शाम होते ही हैरान हो जाता है, तुम्हारे फोन का इंतजार करता है, बेचारा परेशान हो जाता है। सपने उसके भी हैं, मतलब सपने उस बच्चे के भी हैं, उस लड़के के भी हैं जो तुमसे। हाँ हाँ, सबके ही होते हैं भाई, करियर के, दोस्ती के, रिलेशनशिप के हैं, बिल्कुल तुम्हारी तरह हैं। मेहनत बहुत करता है लेकिन कभी कभी हार जाता है, एक सीधा साधा लड़का तुम्हें प्यार करता है। क्या बात है, बहुत खूब। वो बिल्कुल साफ है, शीतल है वो लड़का जो है ना, वो बिल्कुल साफ है, एकदम यहाँ के गंगोत्री जैसे। हाँ, यमुनोत्री जैसे जी। वो बिल्कुल साफ है, शीतल है, बहता है नदियों की तरह। क्या बात है। वो बिल्कुल साफ है, शीतल है, बहता है नदियों की तरह। ये लोग इतने तेज गाड़ी निकाल रहे हैं, ये हमारी लय को, ये शीतलता को खराब कर रहे हैं, शीतलता को कर रहे हैं ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ेंगे। वो बिल्कुल साफ है, शीतल है, बहता है नदियों की तरह। वो बिल्कुल साफ है, शीतल है, बहता है नदियों की तरह, लेकिन कई बार समंदर पार कर जाता है। वाह वाह, बहुत लड़का तुम्हें प्यार करता है। क्या बात है। जब से तुम मिले हो रोशन हुआ है, लेकिन कई बार तुम्हारी रोशनी में वो अंधा हो जाता है, एक सीधा साधा लड़का तुम्हें प्यार करता है। क्या बात। तुम हाथ पकड़ लो उसका, वो बेचैन हो जाता है, मासूम इतना लिखता है तुम्हें कि कई बार स्याही हो जाता है। क्या बात है, बहुत ठीक है, बहुत अच्छा। तुम हाथ पकड़ लो उसका, वो बेचैन हो जाता है, मासूम इतना लिखता है तुम्हें कि कई बार स्याही हो जाता है, एक सीधा साधा लड़का तुम्हें प्यार करता है। क्या बात है। तो ये कविता मसूरी में बैठ करके मैं, हाँ बढ़िया है, इट्स लाइक वंडरफुल एक्सपीरियंस, लाइक रिलीविंग पेन, रिलीविंग, एक सीधा साधा लड़का जो साफ है, शीतल है, मासूम है, कोई ऐब नहीं है, और यही चाहिए।
लोगों को समझ में आ जाए ये हमारे लाइफ जीवन का मतलब कुछ कवियों की एक या कवि जो शायर होते हैं, मैं तो अपने आप को नहीं अज्यूम करता मतलब उतना अभी तो भगवान अभी लिखना बाकी है, लेकिन भाई जो लोग लिखते हैं इस तरह का उनकी एक तमन्ना ये भी रहती है वो जिसके लिए लिखते हैं काश उसे समझ आ जाए। अब इसी पे मुझे एक लाइन वो याद आती है कि विरोगी होगा पहला कवि, विरह से निकला होगा ज्ञान, वही है। तो सही बात है, ज़्यादातर देखिए जो हमारी चीज़ें होती हैं हमारे ज़िंदगी में जो एक्सपीरियंसेस होते हैं उन्हीं पे डिपेंड करती हैं हमारी कविताएं। तो बहुत अच्छा रहा, अभी मैं इसमें नशे में डूब रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि इससे ज़्यादा नशे चलते हैं और हम लोग चलते हैं अपने करते हैं क्योंकि 9 बजने वाले अभी हमें देहरादून में निकलना है। चलिए ओके ठीक है, बहुत अच्छा लगा सुन के, अभी भी मैं मतवाला हो गया हूँ। चलो अच्छा रहा सौरभ भाई, चलो थैंक्स सर भाई, चलते हैं अपने अगले मुकाम की ओर, और ऐसी जर्नी में तुम साथ हो तो हौसला साथ है, मुझे ये कहना है, तुम जैसे दोस्त इज़ लाइक ब्लेसिंग यार, लव यू।